नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आप सबका स्वागत है। और अब हम बात करेंगे मौसम खबर की। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, कहाँ पर रहेगा तापमान का कैसा हाल, कहाँ पर हो सकती है बारिश। अलावा इसके होगी कृषि सलाह भी। तो अगले आधे घंटे आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए मौसम खबर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कल उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। कल केरल और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। तो शुक्रवार को पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में हो सकती है भारी वर्षा। झारखंड के किसान धान के खेतों में जलस्तर बनाए रखें, तो पश्चिम बंगाल में हल्दी की रोपाई के लिए करें खेत तैयार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। गुरुवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। कल पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले संभव। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। कल उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बिजली के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। बिहार और उड़ीसा में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। गांगेय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं संभव। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। दो दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। शुक्रवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने के आसार। शुक्रवार को बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले संभव। गुरुवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। दो दिन केरल में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना। शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं हो सकती है तेज बारिश। दो दिन राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने के आसार। और आइए आप डालते हैं बारिश के अनुमान पर नजर। अगले दो दिन कहाँ पर हो सकती है बारिश और कहाँ पर रहेगा कैसा मौसम। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान। कल हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार। गुरुवार को उत्तराखंड में कुछ जगह बरसेंगे बादल। गुरुवार को पंजाब में कुछ जगह बारिश की संभावना। गुरुवार को हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान। दो दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार। दो दिन उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बारिश संभव। गुरुवार को असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार। कल ओडिशा में कुछ जगह बरसात का अनुमान। दो दिन बिहार में कुछ जगह बरसात की संभावना। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान। दो दिन छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार। गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात की संभावना। कल और शुक्रवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं हुई बारिश। हिमाचल प्रदेश में कई जगह हुई बरसात। उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हुई बारिश। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। झारखंड में कुछ जगह बारिश हुई। ओडिशा में कहीं कहीं काफी भारी बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं काफी भारी वर्षा हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में हुई बरसात। असम और मेघालय में कुछ जगह बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बरसात हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हुई। केरल में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश हुई।
दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी हुई भारी बरसात। झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाएं चली। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। और अब बात तापमान की, पहले बात अधिकतम तापमान की करते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं कोंकण गोवा के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। केरल में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि बिहार में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। वहीं उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। साथ ही राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान मराठवाड़ा के नांदेड़ में रहा। नांदेड़ में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आपको बताते हैं न्यूनतम तापमान के बारे में। गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कई जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। कर्नाटक में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि ओडिशा में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। वहीं हिमाचल प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के पार जब लौटेंगे तो बात होगी खेती बाड़ी की। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपने फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान समय समय पर कई कार्य करते हैं। कटाई, बुआई, कीट प्रबंधन सब कुछ इसमें शामिल है। तो आज जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए कि इस समय पर उनको कौन कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए। देखिए रिपोर्ट में। झारखंड के किसान धान के खेतों में जलस्तर बनाए रखें, साथ ही धान के खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। यहां के किसान तैयार गेहूं फसल की कटाई का काम कर लें, साथ ही फसल को थ्रेसिंग कर सुरक्षित स्थान में रखें। यदि फसल को भंडारित किया जा रहा हो तो किसान सुनिश्चित कर लें कि उपज में ज्यादा नमी मौजूद न हो। झारखंड में देर से बोई गई बेल वाली सब्जियों को बढ़वार के लिए रस्सी या लकड़ी का सहारा दें। यदि इन पौधों में कीट का प्रकोप दिखाई दे तो किसान नीम आधारित कीटनाशक निमेटिन की 5 मिलीमीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। कीटनाशक का छिड़काव खासकर साफ मौसम में ही करें। इसके अलावा झारखंड के किसान बैंगन की फसल में फल और तना छेदक को नियंत्रित करें। जरूरत होने पर किसान फेरोमेन ट्रैप लगाएं। यहां के किसान लीची में नियमित अंतराल के बाद सिंचाई करें।
झारखंड में गोभी वर्गीय सब्जियों में सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही शिमला मिर्च की फसल को भी सफेद मक्खी से बचाने के उपाय करें। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां के किसान मक्का के साथ अंतर फसलें लगाएं। यहां के बागवान संतरे के नए बाग लगाएं। पौधों की रोपाई करते समय गड्ढे की गहराई और चौड़ाई 50-50 सेंटीमीटर रखें। साथ ही पौध से पौध की दूरी 5-6 मीटर रखें। पश्चिम बंगाल में किसान अदरक के खेतों से फालतू पानी निकालें। साथ ही यहां के किसान हल्दी की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में जूट की फसल को इल्लियों के प्रकोप से बचाने के उपाय करें। साथ ही आम में चूसक कीटों की रोकथाम के लिए इमिडोक्लोरोप्रिड दवा के घोल का छिड़काव करें। और अब बात आज की फसल की। आज हम आपको बताएंगे लौकी के बारे में, जिसे घिया भी कहते हैं। सब्जी तो बनाई ही जाती है, इसका जूस भी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो लौकी की बुआई अगर आप करना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना है, ये इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी हिस्सों में गर्मी की फसल के लिए अभी लौकी की बुआई की जा सकती है। इस समय जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में किसान लौकी बो सकते हैं। जिन किसानों ने अभी तक लौकी की बुआई नहीं की है, वो लौकी की बुआई कर लें। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से हटा दें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए एक हेक्टेयर में बीज संकर किस्म के 5-7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6-8 किलो लें। एक हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और NCR के लिए है। एक हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आवश्यकता अनुसार दवा के इस अनुपात को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अदरक का रोपण जारी रखें। यहां के किसान तैयार सरसों की कटाई जारी रखें। बिहार के किसान गेहूं फसल की कटाई जारी रखें। ओडिशा में मूंग और उड़द की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान में रखें। ओडिशा में भिंडी और बेल वाली सब्जियों की बुआई करें। ओडिशा के किसान अदरक का रोपण करें। हरियाणा में गेहूं, चना और सरसों की कटाई करें। कोरोना का संक्रमण पूरी ही दुनिया पर देखा जा रहा है। कोरोना से जुड़ी और जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए वक्त है एक ब्रेक का। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर।
आपका घर आंगन हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। हरियाणा के किसान मूंग की बुआई जारी रखें, दिल्ली और आसपास के किसान मूंग और फ्रेंच बीन की बुआई करें। यहाँ के किसान लोबिया, भिंडी, करेला, खीरा और लौकी की बुआई करें। दिल्ली और आसपास के किसान ग्रीष्मकालीन मूली की बुआई करें। पंजाब में गेहूं और सरसों फसल की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान बीटी कपास और देसी कपास की बुआई जारी रखें। पंजाब में खरीफ चारा फसलों की बुआई का काम कर लें। यहाँ के किसान रबी फसल कटाई के बाद बाजरा, मक्का और लोबिया बो सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान थोक बाजार में भीड़ भाड़ को कम करने, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से जारी करने के लिए कृषि मंत्रालय की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम के तहत 2 नए मॉड्यूल भी इसके तहत लाए गए हैं। इसमें जो दोनों मॉड्यूल हैं वो एक मॉड्यूल जो आपका है वो वेयर हाउस ट्रेडिंग आधारित मॉड्यूल है और दूसरा किसान उत्पादक संगठन आधारित मॉड्यूल है। तो इन दोनों मॉड्यूल के तहत आपको जो जानकारियां चाहिए वो आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। किसान चाहे खेतों में काम कर रहे हों या फिर मंडियों में फसल ले जा रहे हों, हर जगह सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा। बार बार अपने हाथ साबुन से धोने होंगे, चेहरे पर मास्क लगाना होगा और जो मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं, उन्हें सैनिटाइज करना होगा। खरीद केंद्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिनमें राज्य प्रशासन से कहा गया है कि वो केंद्रों पर आने से पहले एक एक मजदूर की स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराएं। सभी मंडियों और खरीद केंद्रों पर साबुन और पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। खरीद में जुटे कर्मी या मजदूरों के पास सुरक्षा मास्क और दस्ताने जरूर हों और मजदूर काम करते या आराम करते समय या खाना खाते समय एक दूसरे से 3 से 4 फुट का फासला बनाए रखें। मंडी और खरीद केंद्र संचालकों और प्रबंधकों को भी चाहिए कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने पाए और उतने ही मजदूर बुलाएं जितनी जरूरत हो। ज्यादा भीड़ से बचने के लिए पंजीकृत किसानों को सीमित संख्या में ही SMS भेजकर खरीद केंद्रों पर बुलाया जाए। अगर जरूरत हो तो खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। खरीद में जुटी मशीनों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। इसी तरह ढुलाई वाहनों और पैकिंग सामग्री को भी सैनिटाइज करना जरूरी है। फसल ढोने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए ड्राइवरों और हेल्परों को राज्य सरकारों की ओर से पर्याप्त संख्या में अनुमति पत्र जारी किए जाएं। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसल का भुगतान राज्य सरकारें 3 दिन के भीतर भुगतान कर दें। और बुलेटिन में एक बार फिर से देखते हैं मौसम की झलकियां। गुरुवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। कल पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले संभव। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। कल उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बिजली के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। बिहार और ओडिशा में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान। गांगेय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बिजली के साथ तेज हवाएं संभव। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। शुक्रवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने के आसार। शुक्रवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले संभव। गुरुवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। 2 दिन केरल में भी इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावना। शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं हो सकती है तेज बारिश। 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने के आसार।
मौसम खबर में आज के लिए इतना ही। आइंदा फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष मौसम से जुड़ी नई जानकारियां लेकर, साथ ही आपके लिए होगी कृषि सलाह भी। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।